हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल ड्रीम मोटिव लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं भारत के भौगोलिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का क्षेत्रफल जो है सो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। आपका दूसरा सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? यानी विश्व की कुल जनसंख्या यानी पूरे पृथ्वी पर की जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.5%। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। अब चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? यानी भारत को जो हम लोग इंडिया कहते हैं, उस इंडिया का शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध किसको कहते हैं? जैसे ये मेरा हो गया पूर्व पश्चिम, ये मेरा गया उत्तर दक्षिण, तो ये जो मेरा है गोलार्ध उसमें से इस जगह पर मेरा भारत स्थित है, इसलिए कहा गया है इसको उत्तरी और ये पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इस जगह को कहते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी ये जो मेरा भारत है तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की दूरी, ऊपर से नीचे की लंबाई जो पूछा गया यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। और यहीं पर पूछा गया है कि भारत की पूर्वी से पश्चिम की तक की दूरी यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण बोला गया कितना हो जाएगा? 3214, और पूर्व से पश्चिम तो 2933। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई यानी जो अन्य देशों के साथ स्थल ये से जुड़े हुए हैं उस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना हो गया? 15200 किलोमीटर। वहीं पे पूछा गया कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यहीं पे पूछा गया कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर स्थल सीमा पूछा तो बताएंगे 1512 किलोमीटर, तट रेखा पूछा तो बताएंगे 6100 किलोमीटर, और अगर वहीं पे पूछा गया कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई तो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा किस भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यानी भारत का ध्रुव यानी दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग जो है वहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। यानी भारत की जो दक्षिणी पॉइंट इस जगह पर है यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? एक मिनट इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। आपका सवाल है 11वां, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ये जो है ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, टाइप हो गया है, इसलिए मेरा गलत है। 11वां सवाल कौन है? ये है 11वां सवाल है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो कितना राज्य है? 9 राज्य। कौन कौन है? पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां ओडिशा तथा 9वां पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य है ये भारत के समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। ये जो भारत के फिगर हो गया वहाँ पे यहाँ तक यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये जो है मेरा समुद्री तट रेखा है। टोटल समुद्री तट रेखा में कितने राज्य हो गया? 9 राज्य। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी ये जो
ये जो पूरे जो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और अगर वहीं पे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो हो जाएगा गोवा। तटरेखा अगर पूछा जाए सबसे बड़ी तो गुजरात, और सबसे छोटी गोवा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यानी ये जो मेरा भारत का फिगर है, इस तरह से मेरा भारत का फिगर है, तो हमें पूछा जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा मध्य से होकर गुजरती है, तो हो गया मेरा कर्क रेखा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो कर्क रेखा भी दिखाए हैं, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, ये पॉइंट यहाँ पर जो दक्षिणी नोक है, दक्षिणी नोक एकदम सबसे नीचे इस जगह पर, उसको क्या कहते हैं? कैप कैमेरिन। उसको क्या कहते हैं? कैप कैमेरिन। कैप कैमोरिन। आपका 17वां सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वहाँ पे कहेंगे इंदिरा पॉइंट। अगर दक्षिणी नोक पूछा जाए, तो वहाँ पे बोलेंगे कैप कैमोरिन। इस तरह के सवाल हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते रहते हैं, इसलिए दोस्तों इस तरह के सारे सवाल आप रट लीजिएगा, दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। आपका 18वां सवाल है, भारतीय भूमि का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? यानी आपका 18वां सवाल क्या कहलाता है, क्या कह रहा है? भारतीय भूमि का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अभी दक्षिणी भाग आपने पढ़ा इंदिरा पॉइंट, कैंप कुमरी, उसी तरह इंदिरा कॉल का क्या चीज़ है? उत्तरी भाग, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अभी दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? कैंप कैमोरिन। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, यादव का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? ये जो यादव का पुल है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से। यादव का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।